प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2022 के अंदर मैंने आप लोगों से कहा है कि राजनीति का एक बहुत बड़ा IPL होने वाला है और 2022 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मंगल की महादशा आरंभ होने वाली है। और जितने भी ज्योतिषीय जानकार हैं वो इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं है कि ये मंगल की महादशा उनके लिए राजयोग बना रही है या नहीं बना रही है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण लेकर के आया हूं कि आखिर क्या 2022 के अंदर मंगल की महादशा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजयोग बना रहेगा या ये राजयोग खत्म हो जाएगा। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली ही उनकी वास्तविक कुंडली है, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी प्रेडिक्शंस की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर वो सब उसी को ध्यान में रख करके की है और उसी की कैलकुलेशन के आधार पर की है। और जितने भी हमारे पुराने दर्शक हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर की गई मेरी कोई भी भविष्यवाणी अभी तक गलत साबित नहीं हुई है, या यूं कहिए सत्य ना हुई हो, ऐसा नहीं हुआ है। इसका यदि ताजा उदाहरण मैं आपको दूं तो मैंने आपको कहा था कि मई 2021 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध यहां पर खत्म हो जाएगा और यहां पर उनके लिए चुनौतियां भी खत्म होना आरंभ हो जाएंगी। और आप देखिए दर्शकों, जैसे ही जून का माह आरंभ हुआ है, आप सब लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए यहां पर चुनौतियां कम होना भी शुरू हुई हैं और उनकी लोकप्रियता में जो गिरावट आ रही थी वो भी यहां पर जरूर थमी है। दर्शकों, 2022 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मंगल की महादशा आरंभ होगी, उनका अब तक का सबसे बड़ा राजयोग आरंभ होगा। यानी अब तक जो आपने देखा है वो यदि आप लोगों को राजयोग लगता है तो जो 2022 में शुरू होगा, जो वास्तव में राजयोग बनाता है, तो वो आपको क्या लगेगा ये मैं नहीं कहना चाहता, ये आप सब लोग सोचिए। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको पूरी तरह से स्पष्ट करता। दर्शकों, वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली बनती है और लग्न में ही मंगल भी बैठे हैं और चंद्रमा भी बैठे हैं जो कि लक्ष्मी योग बनाते हैं। ऐसे में वो दिमाग के तो धनी हैं, ये बात आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साथ में यहां पर दशम भाव में उनके शुक्र और शनि भी बैठा हुआ है जो सदैव उनको अपने प्रोफेशन, अपने कामकाज के अंदर चैलेंजेस देता रहा है। और यही कारण है कि जब भी वो कोई बड़ा कार्य करने जाते हैं कोई ना कोई प्राकृतिक विपदा भी उनका पीछा जरूर करती है। चाहे फिर वो गुजरात में रहे हो, तब भी आपको ध्यान है कि भुज के अंदर जो भूकंप आया था उसमें क्या त्रासदी हुई थी, उसके बाद गोधरा कांड ने उनका पीछा किया, प्रधानमंत्री बने उसके बाद में भी आप लोगों को पता है कि किस तरीके से माहौल रहा है, दूसरे कार्यकाल में कोरोना, यानी कि उनके जीवन के अंदर हमेशा चैलेंजेस बनते रहे हैं, इन्होंने कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। और ये केवल और केवल शनि और शुक्र के कारण से है। अब इससे आगे की बात मैं आप लोगों को बताता हूं। चंद्रमा की महादशा उन्हें 2011 से आरंभ हुई। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में है और लगभग 8.5 डिग्री का है और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि देव होते हैं जो कि स्वयं दशम भाव में बैठे हैं और शनि भी यहां पर सूर्य के नक्षत्र में है और यहां पर शनि अस्त भी है। इसीलिए दर्शकों, चंद्रमा की महादशा के अंदर चैलेंजेस तो उन्हें मिले हैं लेकिन फिर भी उनका राजयोग यहां पर भंग नहीं होता है। यानी कि चंद्रमा लग्न में बैठा है
शनि दशम भाव में स्थित है, यानी कि चंद्रमा से शनि दशम भाव में है, दसवें स्थान पर है, और दसवां स्थान हमारे पराक्रम का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारे कामकाज का होता है। शनि से चंद्रमा चौथे भाव में है, चौथा भाव सुख सुविधा का होता है। ऐसे में चार और दस का कॉम्बिनेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में चंद्रमा की महादशा के अंदर भी, शनि के नक्षत्र में होने के बाद भी, चूंकि शनि का नक्षत्र सूर्य का है, ऐसे में उन्हें यहां पर राजयोग जरूर मिला है। लेकिन अब बात करते हैं उनकी आने वाली महादशा की, जो कि यहां पर मंगल की है, और मंगल यहां पर विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में है, और विशाखा नक्षत्र का जो चौथा चरण है, यानी विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है वो गुरुदेव बृहस्पति है, और गुरुदेव बृहस्पति भी चौथे भाव में बैठे हैं। अब यदि मैं बृहस्पति से मंगल की स्थिति आपको बताऊंगा तो वो भी अपने से दशम बनती है, और वहीं पर बात आती है कि दशम भाव हमारा पराक्रम का होता है, प्रोफेशन का होता है, हमारे कार्य क्षेत्र का होता है। और मंगल का बृहस्पति के नक्षत्र में होना और बृहस्पति का पुनः चौथे भाव में होना, यहां पर भी वही चार और दस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि मंगल से बृहस्पति चौथे हैं और बृहस्पति से मंगल दशम है, और यहां पर मंगल का नक्षत्र भी वही है जो उनकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने वाला है, यानी कि चौथा भाव हमारी सुख सुविधाओं का होता है। ऐसे में मंगल का बृहस्पति के नक्षत्र होना अपने आप में एक तरह से राजयोग बनाता है, क्योंकि यहां पर भी चौथे और दसवें का संबंध बनता है। ऐसे में यदि चंद्रमा का जो अपने से चौथे और दसवें का संबंध है, यदि वो उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा सकता है, तो आप जरा सोचिए वृश्चिक लग्न के अंदर जब मंगल की महादशा आरंभ होगी और उसका भी कॉम्बिनेशन यही चार और दस का बन रहा है, तो क्या हकीकत में असली राजयोग अब बनना आरंभ नहीं होगा? यानी कि चंद्रमा नीच का होते हुए भी, हालांकि उसका नीच भंग राजयोग बन रहा है, शनि के नक्षत्र में होते हुए भी और शनि के सूर्य के नक्षत्र में होते हुए भी जब यहां पर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा सकता है, तो आप सोचिए कि मंगल की महादशा जो कि बृहस्पति के नक्षत्र में है और यहां पर बृहस्पति का चौथे भाव में होना, ये अपने आप में एक ऐसा संकेत दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजयोग असली मायने में तो अब आरंभ होगा। यानी एक तरफा जीत, एक तरफा सितारे बुलंदी पर, और जीवन के अंदर सबसे बेहतर कालखंड यदि कोई साबित हो तो वो मंगल का हो, ऐसी संभावना उनकी कुंडली में बन रही है। दर्शकों, आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं कही। दर्शकों, क्योंकि उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक लग्न में उनका लग्नेश बहुत ही कम है, यानी कि लगभग 5 डिग्री से कम का उनका लग्नेश बनता है, और मंगल भी 0 डिग्री है। ऐसे में मुझे केवल और केवल मई 2021 तक का इंतजार करना था, जब यहां पर मैंने सितंबर 2019 से शुक्र की अंतरदशा को देखा था और जिसका अंत जो हो रहा था वो मई 2021 में हो रहा था, और मुझे केवल इस चीज का इंतजार था कि मई 2021 का वो पल क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुनौतियों को खत्म करने वाला है, क्या उनके गिरते हुए ग्राफ को अचानक से ऊंचाई पर ले जाने की ताकत रखता है, या ये शुक्र का समय जो उनका चल रहा है ये क्या उनके जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आता है? क्योंकि यदि तुला लग्न की कुंडली उनकी हुई तो शुक्र यहां पर इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देना चाहिए था। ऐसे में उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बने ये तय करने के लिए मुझे मई 2021 तक का इंतजार करना ही था, और मई 2021 का इंतजार जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद मैंने
15 दिन इस बात को देखा है कि जून का माह उनको क्या वही सब कुछ दे रहा है जो वो देना चाहता है, यानी कि उनकी कुंडली जो उनको देना चाहती है। ऐसे में जब सभी बातें परफेक्टली मैच कर रही है, तभी मैं आप लोगों के सामने इतनी बड़ी बात लेकर के आया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजयोग 2022 में मंगल की महादशा के साथ आरंभ होने वाला है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और 2022 में इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो उनको ये मंगल की महादशा नवंबर ही आरंभ हो जाएगी, लेकिन एक माह का समय रहेगा, इसीलिए मैंने उसको 2022 में कंसिडर किया है कि यहां पर 2022 में उनका राजयोग आरंभ हो जाएगा और ये अब तक का सबसे बड़ा राजयोग होगा, ये उनकी कुंडली कह रही है। दर्शकों, यहां पर मैंने अपना कोई भी मत नहीं दिया है आपको, मैंने केवल और केवल विशुद्ध रूप से उनकी राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण किया है, यानी कि उनकी कुंडली में जो राजनीतिक योग बनते हैं, जो उनकी कुंडली में राजयोग बनते हैं, जो उनकी कुंडली समय काल अवधि को परिभाषित कर रही है, मैंने केवल और केवल उसको पढ़ करके आप लोगों के सामने सटीकता के साथ ये बात रखी है, ऑथेंटिक तरीके से बात रखी है, एक एक ग्रहों का नक्षत्रों के आधार पर पूरा फलादेश करके आप लोगों को बताया है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो लोग भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि किस तरह से कौन सा ग्रह किस घर में बैठ करके किस नक्षत्र में किस तरह का फल देगा, अपने से दशम और अपने से चौथे का संबंध क्या होता है, ये सब बातें उनको अच्छी तरह से पता है। और इसीलिए मैंने आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दिया है, ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको भी ये चीज़ समझ आए, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं उनको भी फलादेश के माध्यम से ये पता लग सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आने वाला समय एक पूर्ण राजयोग उन्हें देने वाला है और इसकी शुरुआत 2022 से होने वाली है। ऐसे में ये वीडियो आने वाले समय के अंदर आप लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश भी देगा कि किस तरीके से राजयोग बनने पर व्यक्ति के सामने तमाम चुनौतियां होने के बाद भी किस तरीके से कुदरत सभी चुनौतियों को खत्म भी करती है और व्यक्ति के लिए एक सुखद रास्ता भी बनाती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके तमाम उन संशयों को दूर करने की कोशिश की है जो बहुत से लोगों के मन में थी, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के मन में थी कि क्या राजयोग बनेगा, क्या उनका राजयोग खत्म हो रहा है, इस एस्ट्रोलॉजी पद्धति से ये बात कही जा रही है, इसमें यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो दर्शकों, एक बात यहाँ पर कहना आप लोगों के लिए जरूर बनता है, रावण भी बहुत बड़ा ज्ञाता था ज्योतिष विद्या का। ऐसे में जब रावण इतना बड़ा ज्योतिष का ज्ञाता था, यहां तक कि उसने रावण संहिता तक लिखी थी, तो फिर वो ये क्यों नहीं देख पाया कि उसके कुल का विनाश नजदीक है और अपने ही कुल के विनाश का कारण वो खुद बनेगा। ये बात रावण क्यों नहीं देख पाया, जबकि स्वयं इतना बड़ा भविष्य का ज्ञाता था जिसने संहिता शास्त्र तक लिख डाला। दर्शकों, यही होता है, ग्रहों की ताकत बहुत बड़ी होती है। जिस समय पर कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं का आकलन करने बैठता है या ज्योतिष विद्या को परखने की कोशिश करता है या इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, वहीं पर यह ज्योतिष विद्या उसके ज्ञान को शून्य कर देती है और उसके बाद ये ज्योतिष विद्या उसके किसी काम की नहीं रहती है। उसके बाद वो व्यक्ति चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका फलादेश कभी सही नहीं हो सकता। इसीलिए मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं जो भी ज्योतिष का फलादेश करता हूं वो विशुद्ध हो, किसी भी तरह की दुर्भावना से ग्रसित ना हो। बेशक चाहे उसमें किसी की भावना को आहत पहुंचती हो, लेकिन वो सभ्य शब्दों के साथ में सही तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाए, जिससे आने वाले समय का आप पूर्व आकलन बहुत अच्छी तरह से कर पाए। और यही काम मैं करता हूँ। मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि मैं प्रधानमंत्री जी की महिमा गाऊं, बीजेपी की तारीफ करूं या कांग्रेस की बुराई करूं।
मेरा ये मंतव्य कभी भी नहीं होता है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल करोड़ों भारतीयों को वो सही चीज दिखाना है जो जानना वो चाहते भी हैं और जिसके लिए वो हमेशा से मेरे YouTube पर सालों से वीडियोस देखते आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस के अंदर कभी भी कोई गलत बात किसी के प्रभाव में आकर के कभी भी नहीं करता हूं, चाहे फिर वो किसी को अच्छी लगे या ना लगे। हालांकि मैं अपने वीडियो के अंदर बहुत ही शालीनता का परिचय देने की कोशिश करता हूँ कि किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुँचे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो उसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है, उसकी इस तकलीफ का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ईश्वर से ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि हे ईश्वर, उन सभी को सद्बुद्धि दे ताकि वो अपने मन की आंखों से ये देख सके कि आने वाला भविष्य क्या है और उस भविष्य के आधार पर वो अपना आने वाला कल भी अच्छा कर सके। ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर सभी को दे। उम्मीद करता हूँ दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।